लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हैंड्स अप, यानी हाथ खड़े करो। बड़ी लंबी उम्र है आपकी जनाब, अभी आप ही का जिक्र हुआ था। बकवास बंद, शेरवानी उतारो। शेरवानी उतरवा के क्या करोगे? तुम्हें माल से मतलब है, जेब में हाथ डाल के निकाल लो। हमें माल से कोई मतलब नहीं, शेरवानी उतारो, उतारो। उतारते हैं भाई, जल्दी करो। जमीन पर फेंक दो। आप पजामा उतारो। पजामा क्यों? पहले पजामा उतारो, सवाल बाद में। उतारते हैं भाई, उतारते हैं। पजामे की औलाद, सीना फाड़ दूंगा। पहले तुम केला खाओ। पर नहीं, ये केला मैं। नहीं नहीं, खुदा के लिए जुल्म मत करना, मुझे केला हजम नहीं होता। पैर हटाओ, पैर हटाओ। चलो उड़ो, उड़ो। कौन हो तुम? एक शरीफ ज्यादा। शरीफ ज्यादे रात को इस लिबास में घूमते हैं? क्या करता, कुंडे मेरे कपड़े उतार के ले गए। वो तो खुदा का शुक्र है कि रही सही इज्जत इस चड्डी ने ढांक रखी। तुम मेरे कपड़े क्यों उतरवा रहे थे? तो क्या घर इस हालत में जाता? तुम्हारा नाम क्या है? सिकंदर बख्त, पर वजन बदबख्त। चलाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने कपड़े देता हूं। ये केला। भाईजान, भाईजान, ये आपके पीछे कौन छुपा हुआ है? ये हमारे दोस्त है चड्डी शाह। क्या ये ऐसे ही घुमा करते हैं? इनका कहना है कि नंगे आए थे, नंगे जाना है, और इस दुनिया से क्या ले जा। तो फिर इन कपड़ों की भी क्या जरूरत थी? चले थे हमारी इज्जत ढांकने, पहन के सामने उछाल के रख दी। दोस्त भी तो कहा आपको, चड्डी शाह का और बंदर भी। कुछ तो नाम लेना था, उस वक्त में वो दोनों नाम बहुत फिट बैठे। नाम है सिकंदर आलम, बुलाइए खातून को और रुतबेदार तारुफ कराइए। ये रहा कुर्ता और पजामा, और वो रहा गुसल खाना। पहनिए और चलते बनिए। हमारा ये रुखापन, लगता है तकल्लुफ आपको छू भी नहीं गया। आप लखनऊ के रहने वाले या टिम्बकटू के? मेरी तन्हाइयों में सुरूर बिखेरने वाली हसी। सुभान अल्लाह, किधर है, कहाँ है? दरवाजा उधर है। हुजूर, अपने दिल का झरोका दिखाइए, ताकि हम भी देखें कि वहां पे कौन चुटकियां ले रहा है जिसे आप खत लिख रहे हैं। अजी कैसे लिखूं? इन कमबख्त उंगलियों को आज ही जख्मी होना था। तो हम लिखे देते हैं, हुजूर लुत्फ आ जाएगा। उठिए, उठिए, उठिए। सुरूर बिखेरने वाली हसीना, वाह क्या उठान है। फरमाइए, फरमाइए। मेरी तन्हाइयों में सुरूर बिखेरने वाली हसीना, तुमको देखा तो समझ में आया लोग क्यों बुद्ध को खुदा मानते हैं। सुभान अल्लाह, मरहबा, क्या नज्म कही है माशूक की तारीफ में। पढ़ते ही आपके लिए बेकरार हो जाएगी, लाचार हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। जल्दी से उसका नाम और पता बताइए। माफ कीजिएगा, आपको नाम और पता बताकर मैं अपने लिए खतरा मोल लेना नहीं चाहता। खतरा किस बात का हुजूर? हजूरे वाला, कल आप उनके घर पहुंच जाएंगे और कहेंगे ये मोहब्बत नामा आपने लिखा है, और वो आपके लिए बेकरार हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, आपके लिए बीमार हो जाएंगे, और हम मरीज मोहब्बत बिना इलाज के मारे जाएंगे। सो ये लिफाफा खुद हम उन तक पहुंचाएंगे। छोटी सरकार, आपकी चिट्ठी। मेरी तन्हाइयों में सुरूर बिखेरने वाली हसीना, तुमको देखा तो समझ में आया लोग क्यों बुद्ध को खुदा मानते हैं।
भाईजान, ये आपको क्या हो गया है भाईजान? क्या हुआ सिकंदर को? अम्मी जान, ये आप खुद पढ़कर देख लीजिए, देखिए पढ़िए। मेरी तन्हाइयों में सुरूर बिखेरने वाली हसीना, तुमको देखा तो या अल्लाह, सिकंदर ये क्या हो गया है तुम्हें? सिकंदर क्या हुआ सिकंदर को? ये कैसी चिट्ठी है? हमारी बर्बादी की। मेरी तन्हाइयों में सुरूर बिखेरने वाली हसीना, नलायक, अपने हाथों से अपनी ही बहन को किसी के लिए मोहब्बत नामा लिख दिया। सिकंदर, सिकंदर, अबू सरकार, अबू सरकार, मैं आ गया। फरमाइए, कैसे याद किया? इधर आओ। ये क्या है? कागज है सरकार। नालायक, यह मोहब्बत नामा है जो तुमने लिखा है। मैंने लिखा? हाँ। आराम से। ये क्या? चला चल लिफाफे कबूतर की चाल। तू जल्दी से ला मेरे दिलबर का हार। मर्दूत कमीने, इश्क से भरपूर चिट्ठी मेरे हाथों मेरी बहन को लिखवाई। फिर तो जहां आपकी बहन है? नहीं तो क्या, आपकी बहन है। अरे मजा गया यार, अल्लाह जब देता तो छप्पर फाड़ के देता है। देखिए अब मैं क्या क्या फाड़ता हूँ। अरे बड़े एहसान फरामोश हो तुम यार, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एहसान का फौरन बदला चुका देता। आपने मुझे समझा क्या है? फिरदौस जहां के भाई और मेरे होने वाले। खबरदार, मैं आपका साला होना मंजूर नहीं करता। और याद रखो, चंगेजी खानदान की आबरू से खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट। हाँ हाँ, वही बजा दूंगा। आदाब। आदाब। मोहतरमा ने शायद मुझे पहचाना नहीं। चद्दी शाह, पजामा शाह हूं इस वक्त, रेशमी इजारबंद के साथ।